जिला मुख्यालय पर आज प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ फिर कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि कोरोना के विरुद्ध हमने सरकार का साथ देने की बात कही थी, लेकिन एक के बाद एक कर तीन विधायकों पर मुकदमा होना, गंगानगर में पूर्व चेयरमैन पर मुकदमा और सोशल मीडिया में टिप्पणी के नाम पर 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करना, यह सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का रवैया है। अब वर्तमान के अंदर कोरोना के विरुद्ध में जो राजस्थान के अंदर जो एक समन्वय का वातावरण बना था, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूपेण सरकार का साथ देने की बात की थी, एक के बाद एक तीन विधायकों पर मुकदमा होना, हमारे गंगानगर में पूर्व चेयरमैन महेश पेडवाल पर मुकदमा होना और सोशल मीडिया में टिप्पणी के नाम पर 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर अलग अलग जिलों में मुकदमे कायम करना, ये सरकार भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। जिस प्रकार सरकारी सहायता पहुंचने में सरकार ने कांग्रेसीकरण इस सहायता का किया है, भारत सरकार ने सहायता दी, हर पात्र व्यक्ति के खाते में एक एक 1000 रुपया, हमारे महिला जनधन से जुड़ी है उनके खाते में 500-500 रुपये, सभी लोगों के खाते पास मुफ्त में अनाज और उज्ज्वला गैस के माध्यम से 3 महीनों के लिए मुफ्त में गैस सिलेंडर, ये तमाम सुविधाएं पहुंच रही है, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं। साथ ही राठौड़ ने कहा कि जिस प्रकार से सरकारी सहायता पहुंचाने में सरकार ने इस सहायता का कांग्रेसीकरण किया है, वह गलत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा, वह चाहे जनधन योजना हो या उज्ज्वला योजना, सभी लोगों के पास इन योजनाओं का लाभ पहुँचा है, लेकिन राजस्थान की सरकार जो सहायता दे रही है उसका पूरी तरह से कांग्रेसीकरण कर रही है, यह होना दुर्भाग्यजनक है। उस पूरी सहायता का कांग्रेसीकरण होना दुर्भाग्यजनक है, और दूसरी ओर सरकार वस्तुस्थिति को जनता से छुपाने की कोशिश कर रही है। कल तक जिन 6 करोड़ की स्क्रीनिंग की बात कर रही थी, आज सर्वेक्षण की बात करने पर आ गई, 1 लाख क्वारंटाइन बेड्स, अगर पूरे राजस्थान में सारे चिकित्सालयों के बेड्स भी अगर आरक्षित कर दें तो उनकी संख्या भी 9400 से ज़्यादा नहीं, सारे होटल्स को कर लें, सारे छात्रावास को कर लें तो भी 1 लाख की संख्या नहीं बैठती, ये भ्रामक बात नहीं करके इस कोरोना के विरुद्ध संघर्ष के अंदर सर्वदल और सर्व समाज को साथ लेकर सरकार चले, ये मुख्यमंत्री जी को हमने कई बार कहा है और हम पुनः मुख्यमंत्री जी अपील करते हैं कि आप इस पूरे राजस्थान के पहले व्यक्ति हो, अभिभावक हो, अभिभावक की भूमिका में आओ, ना कि संकीर्णता के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता की भूमिका में आओ, वरना हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और जहां भी हमें कानून सम्मत और लोकतंत्र में जो भी हथियार हमें कानून देता है उन सबसे हम लड़ाई लड़ेंगे। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस से बचाव हेतु सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्थाएं व समाज सेवी मास्क वितरित कर रहे हैं। इसी क्रम में विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश रामपुरा के नेतृत्व में राजगढ़ से आई टीम ने रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि को जरूरतमंद व्यक्तियों को देने हेतु 1000 मास्क उपलब्ध करवाए। सबसे पहले मैं विप्र फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाई मुकेश जी जो युवा प्रदेश अध्यक्ष है, पूरी टीम का, आप लोगों का मैं बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के लिए आप लोगों ने 1000 मास्क कपड़े के डबल लेयर वाले बनवा करके मेरे को आज आप लोगों ने भेंट किए हैं। निश्चित रूप से जो मास्क हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुंह पर कपड़ा लगाने की, मास्क लगाने की अपील सब लोगों से की है, ये अनिवार्य कर दिया है, इसलिए ये बहुत काम के हैं, यूजफुल हैं। मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विप्र फाउंडेशन ने वैसे भी पूरे देश में करीब 10 लाख मास्क पूरे देश में बांटे हैं जरूरतमंद लोगों को, ये COVID-19 को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ की लागत से सड़कों के नवीनीकरण व डामरीकरण का कार्य करवाया जाएगा।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी की अनुशंसा पर उप मुख्यमंत्री व सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री सचिन पायलट ने उक्त स्वीकृति जारी की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चाकलान ने बताया कि यह कार्य होने से संबंधित गांव के लोग लाभान्वित होंगे। वहीं राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के प्रति कांग्रेस जनों ने आभार प्रकट किया है। रतनगढ़ विधानसभा के अंदर हमने जो प्रस्ताव बनाकर के पीडब्ल्यूडी विभाग को हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री सचिन पायलट साहब को भेजे थे, उसमें से ग्रामीण क्षेत्र की कई सड़कें स्वीकृत हुई है। करीब 2 करोड़ रुपए की राशि के लगभग सड़क स्वीकृत हुई है। कुछ सड़कें हमने पुनः प्रस्ताव बना करके भिजवाई गई है। मुझे उम्मीद है कि वो शीघ्र ही वो सड़कें स्वीकृत होगी। इसमें रिपेयरिंग का है, नवीनीकरण का है, सब तरह की सड़कें हैं। इसके लिए मैं सचिन पायलट साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, इन सबका बारम्बार आभार प्रकट करता हूँ। उम्मीद है जो बाकी शेष बची हुई सड़कें हैं वो शीघ्र ही स्वीकृत होकर के और काम चालू होगा। सरदार शहर उपखंड अधिकारी रीना छीपा ने बताया कि शहर के 7 पॉजिटिव आने के बाद 4 जनों की रिपोर्ट 1 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर 2 अप्रैल को उनके परिवार के सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया था। उनकी सैंपलिंग की गई तथा सभी जांचें सही आने और क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने पर परिवार के 28 सदस्यों को होम आइसोलेशन के लिए शिफ्ट कर दिया गया। जो 1 तारीख को यहाँ 7 लोग पॉजिटिव आए थे, उनमें से पहले 4 की जो रिपोर्ट थी वो 1 तारीख को आई थी। उन चारों के परिवारों को 2 तारीख को एहतियातन क्वारंटाइन किया गया, उसके बाद उनकी सैंपलिंग की गई और अभी उनका क्वारंटाइन पीरियड जो था वो कंप्लीट हो चुका है और प्रॉपर डिस्चार्ज और प्रॉपर जांच के बाद उनको आज 4 लोगों की फैमिली में कुल 28 लोग थे जिनको यहाँ क्वारंटाइन से हमने होम आइसोलेशन में शिफ्ट कर दिया है। आज कोरोना की मार से पूरा विश्व परेशान है। इसकी वजह से बेजुबान पशु पक्षियों के दाना पानी और चारे पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी परेशानी को देखते हुए आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूरे जिले में 1 परिंडा 1 अभिभावक योजना का शुभारंभ किया। इसी के तहत आज जिला मुख्यालय पर 101 परिंडे विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही शहर में पशुओं को जगह जगह चारा डाला गया। कोरोना की वैश्विक बीमारी में और बढ़ते हुए तापमान में भारतीय जनता पार्टी परिवार ने एक अभियान प्रारंभ किया है। जिले में 1 परिंडा 1 अभिभावक, इसके तहत आज हमने 101 परिंडे जारी किए हैं। हम इनकी संख्या 500 तक लेकर जाएंगे और उसके पश्चात हमारे जिला अध्यक्ष जी ने सारे मंडल अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने मंडल के अंदर कम से कम 51 परिंडे वो लगाएँ, ताकि पूरे जिले के अंदर कोई भी पक्षी इस बढ़ते तापमान से पानी और अनाज से महरूम नहीं रह सके। इसमें 2 अलग अलग चैम्बर है, एक में दाना रखने का है, एक में पानी रखने का है। हम इन्हें नेचर पार्क में, इंद्रमणि पार्क में, जितने भी पार्क है उन सब पार्कों में भी लगाएंगे। बड़े बड़े पेड़ जहाँ भी लगेंगे उनको लगाएंगे, पर 1 परिंदे के साथ हमारा एक कार्यकर्ता उसको गोद में लेगा, जो उसको उसमें पानी और उसमें दाना डालने का काम लगातार करेगा। आज चूरू शहर के 2 रैन बसेरा व देपालसर रोड पर कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर दवाई वितरित की गई। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान डॉक्टर सुमन धनिया ने उपस्थित लोगों से कहा कि आप सोशल डिस्टेंस व मास्क का उपयोग जरूर करें ताकि आप संक्रमण से बच सके। इस दौरान पूरी टीम के द्वारा लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई। 2 रैन बसेरा अभी चेक किए, 1 रैन बसेरा रेस्ट हाउस के पीछे और ये नए बस स्टैंड के ऊपर चेक किया। इनमें हमने देखा उसमें 16 आदमी एक कमरे में और 3 आदमी एक कमरे में, वो सब लोग बाहर से फसल काटने में आए थे। यहाँ के लिए सब ठीक है, स्वस्थ है, सबके स्वास्थ्य की जाँच कर ली गई है। इस रैन बसेरा के अंदर 3 स्वास्थ्यकर्मी रह रहे हैं, सभी स्वस्थ हैं, फिर भी इनको स्वास्थ्य की जानकारी दे के इनको दवाई दे दी गई है। सभी स्वस्थ हैं यहाँ पर। मेरा नाम डॉक्टर सुमन धानिया, यूपी से अग्रसेन नगर चूरू। लॉकडाउन व कर्फ्यू के बीच आज सरदार शहर में एडीजी राजीव शर्मा, बीकानेर रेंज आईजी जोश मोहन व एसपी तेजस्वी गौतम ने शहर का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं 21 अप्रैल से लॉकडाउन में दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर अधिकारियों व स्थानीय पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उसी की तैयारी के संबंध में यहाँ आए थे और एसपी साहब चूरू ने जिला कलेक्टर चूरू के साथ बैठ के इस संबंध में चर्चा करके अपना एक कार्य योजना बनाई है
और उसी के हिसाब से जो 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 छूटें राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही हैं उनके किस तरह से पालना करानी है जिससे लोगों को भी असुविधा ना हो, और जो प्रयास किया गया है लोगों को दूर रखने का, एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस रखने का, तो वो भी बना रहे। सर, काफ़ी जगह से सूचना आ रही है पुलिस प्रशासन के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, क्या कहना, किस प्रकार की सख्ती निपटनी है आप? जी, जो हमले हुए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण हैं, कुछ लोगों की नासमझी की वजह से। और परंतु शुरू में जब ये लॉकडाउन हुआ था इस तरह के 2-3 घटनाएं हुई थी, परंतु उसके बाद से जनता से पूरा सहयोग मिला है और आगे भी यही इसी तरह की अपेक्षा है कि लोग ये बात समझेंगे कि उन्हीं के हित में है जो भी उनको कहा जा रहा है, जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं राज्य सरकार की ओर से, और उनकी पालना अगर पुलिस या प्रशासन करा रहा है तो उन्हीं के हित में ही है। जो थोड़ा बहुत जो MHA की गाइडलाइंस के हिसाब से जो छूट देने की प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कशन और दिशा निर्देश देने के लिए, उसी के लिए ये मीटिंग आज रखी हुई है। हालांकि सरदार शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है तो इसलिए उन दिशा निर्देशों का सरदार शहर कस्बे में पालना नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू जारी रहेगा। अन्य जगहों पर जिस तरीके से गाइडलाइंस आई हुई हैं उस हिसाब से हम लोग काम करने के लिए कटिबद्ध हैं। सालासर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत खुड़ी के सरपंच नवीन कुमार सिलू ने पिछले 7 दिनों से सालासर के आसपास के सभी चेक पोस्ट, नाके और थाने में जाकर यहां तैनात पुलिस कर्मियों को छाछ राबड़ी पिलाई। सरपंच ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल की पहल का अनुसरण करते हुए हमारी टीम कोरोना योद्धाओं की सेवा में हर समय तत्पर रहेगी। माननीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल मंत्री महोदय की अनुकरणीय पहल का अनुसरण करते हुए, उनके निर्देशों की पालना करते हुए हमारे आसपास के जितने भी नाके हैं पुलिस ने जो लगा रखे हैं, जो मेडिकल टीम भी उनके साथ में रहती है, मेडिकल टीम और पुलिस कर्मी जो असली कोरोना योद्धा है, जो विश्व आपदा से निपटने के लिए जो योद्धाओं के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए पिछले 7-8 दिनों से मंत्री जी की पहल के बाद में कंटिन्यू ही हम लोग लगभग डेली की 200-300 लीटर छाछ राबड़ी और उसमें प्याज मिला के मिश्रण करके, और सुबह हमारी टीम 2-3 गाड़ियां लेके घर से निकलती है और दिन भर हम जितना हमसे हो सकता है उतना छाछ राबड़ी इनको डेली पिलाते हैं। आज सेन जयंती है लेकिन लॉकडाउन व कर्फ्यू के चलते कहीं भी सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। इसी के तहत चूरू के भाईजी चौक स्थित सेन मंदिर में सूक्ष्म कार्यक्रम का आयोजन कर भगवान सेन की आरती कर जयंती को मनाया गया। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। राजन देसर में भी आज सेन जयंती पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर लोगों ने अपने घर में ही अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर जयंती को मनाया। वहीं जयंती के अवसर पर कस्बे के श्री चंद मारू व सावनमल मारू की ओर से स्थानीय चिकित्सालय में 100 सैनिटाइजर और 50 हाथ धोने की साबुन भेंट की गई, जिस पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने आभार व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर भामाशय लक्ष्मीपत मारू का भी अभिनंदन किया गया। आज सेन परिवार ने राजन देसर के अंदर सभी ने अपने अपने घर में दीप जला के सेनजी महाराज की जयंती मनाई है, और हमने भी हमारे घर में सावरमल जी, श्रीचंद जी, टोक्सिया परिवार के घर सेन जयंती मनाई, जिसमें सावरमल जी, श्रीचंद जी परिवार ने इस कोरोना महामारी के विपत्त घड़ी में सैनिटाइजर की शीशी और ये थोड़ी साबुन सभी जो प्रशासन है उनको दी है। सेन जयंती के उपलक्ष्य में श्री लक्ष्मीपति जी टोक्सिया ने हमें इन हॉस्पिटल को इन्वर्टर देने की घोषणा की है। हमारे हॉस्पिटल में एक इन्वर्टर की बहुत आवश्यकता थी, इसके लिए मैं इनका बहुत आभार करता हूँ। और श्री सावरमल जी, श्री संजीव टोक्सिया ने हमें इन्वर्टर और साबुन उपलब्ध कराए हैं, इसके लिए भी इनका काफी आभार व्यक्त है हमारी तरफ से, और मैं सारे गांववासियों को सेन समाज की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सरदार शहर में 7 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला कलेक्टर संदेश नाइक ने 1 अप्रैल से ही कर्फ्यू की घोषणा कर दी थी, जिसके चलते बैंकों में लेन देन नहीं हुआ। लेकिन अब सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला कलेक्टर ने बैंकों में लेन देन के लिए छूट दी है। उपखंड स्तर के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बैंकों के बाहर भीड़ न होने दी जाए।
इस अवसर पर SDM रीना छिपा ने कहा कि लोग बैलेंस चेक करवाने के लिए बैंकों में आएंगे, ऐसे में बैंक शाखा की ओर से एक नंबर जारी करवाए जाएंगे जिस पर फोन करके खाता धारक अपने खाते का बैलेंस घर बैठे ही जान सकता है। वहीं जब बैंक खुलेंगे तो प्रशासन के सामने सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने भी हर बैंक के आगे पुलिस कर्मी लगाने के लिए आदेश दिए हैं। चूरू और सरदार शहर में कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए जाने के बाद 1 तारीख से कर्फ्यू लगाया गया। अब आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने पब्लिक जो लेन देन है उसको खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। सोमवार से बैंकों में पब्लिक लेन देन शुरू होगा, लेकिन एक चिंता का विषय यह है कि यहाँ अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है और लॉकडाउन की स्थिति है। ये एक एसेंशियल सर्विस में है, इसीलिए हमने इसको खोलने के आदेश किए हैं। आपके माध्यम से पब्लिक से यह अपील करना चाहूँगी कि केवल बैंक अपना अमाउंट चेक करने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए घरों से ना निकले। जिनके खाते में पैसे आए हैं, ज़रूरत है, वही लोग जो है वो आए, और बैंकों में भी जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लाइनें ना लगाएं, कतारें ना लगाएं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए हम हमारे कार्मिक भी लगाएंगे प्रत्येक बैंक ब्रांच में, और पुलिस जाब्ता भी रहेगा, लेकिन सरदार शहर की आम जनता से मेरी अपील, हमारा सहयोग करें। राजन देसर नगर पालिका परिसर में आज सैनिटाइजर चैम्बर लगाया गया, जिसका उद्घाटन पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू के द्वारा किया गया। इस मौके पर मारू ने कहा कि पालिका परिसर में जो भी व्यक्ति आएगा वह इस चैम्बर के माध्यम से अपने आप को संक्रमण मुक्त कर सकता है। वहीं इस अवसर पर समाज सेवी देवकिशन सुथार की ओर से प्रधानमंत्री राहत कोष में 21,000 का चेक भी भेंट किया गया। जयंती है तो पूरे देश को मैं इसकी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं, और आज नगर पालिका राजेंद्र ने एक सैनिटाइजेशन चैम्बर की व्यवस्था की है। जैसे नगर पालिका, पुलिस थाना, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सर्विसेज में तो यहाँ दिन भर लोगों का आना जाना रहता है। ऐसे लोगों का जो राशन से वंचित लोग हैं या कोई ऐसे कार्य जो इमरजेंसी रिलेटेड है, इसलिए एक सैनिटाइजेशन चैम्बर की व्यवस्था की है नगर पालिका राजेंद्र ने, तो उसका आज शुभारम्भ हुआ है। जब से लॉकडाउन 22 तारीख के बाद से हमने पूरे कस्बे और आसपास के जो हमारी पैराफेरी के देहात हैं उन सभी में हमने सैनिटाइजेशन का कार्य किया, और लगभग हमने आज तक 3500 से 3800 लीटर के लगभग सैनिटाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। और बदस्तूर हमारी फायर की गाड़ी है और हमारे अन्य लड़के भी सैनिटाइजेशन का काम करते हैं, दिन भर सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक सैनिटाइजेशन काम चलता है। सरदार शहर की 14 पंचायतों के लिए आज उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु गाड़ियों को रवाना किया। इस अवसर पर विकास अधिकारी संतलाल मीणा, तहसीलदार सुशील सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। और आज हमारे जो 14 गांव हैं जो जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उनके लिए हम यहाँ से राशन सामग्री रवाना कर रहे हैं। भेजी जा रही है। पहले चरण में रतनगढ़ पंचायत समिति की जो सरदार साहब विधानसभा में 11 पंचायतें आती है उनमें वितरण हो चुका है। आज सरदार साहब पंचायत समिति की 14 ग्राम पंचायतों में, जिनमें खेजड़ा, बुकलसर, भानीपुरा, सावर, साडासर, राणा, जैतासर, इस तरह की 14 ग्राम पंचायतों में आज ये। बीदासर की श्री शिव कृष्ण गौशाला समिति के द्वारा लॉकडाउन के चलते किसी भी आवारा गोवंश को खाने की समस्या ना हो, इसके लिए निरंतर चारे व पानी की व्यवस्था समिति के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। सर, फिलहाल हमें उपखंड अधिकारी और तहसीलदार जी से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग की फाइनेंशियल या आर्थिक या निर्यात संबंधी कोई सहयोग नहीं, उन्होंने खाली हमारी हिम्मत बना रखी है। दूसरी बात है, शुरू से हमारे डॉक्टर चिरानिया जी ने, उन्होंने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। हर प्रकार से फ़ोन करते ही फ़ोन उठाते हैं। उन्होंने मेरे को यह कहा, आप सेवा करो, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आती है आप हमें कॉल करो, हम आपके सहयोग में एनी टाइम तैयार। उनका बहुत बड़ा हमें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जहां प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, वहीं आम से लेकर खास तक इसकी जागरूकता हेतु अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसी के तहत युवा गीतकार प्रवासी यशपाल भाव सिंह का द्वारा लिखित कोरोना जागरूकता की पंक्तियों को यश टिबरेवाला ने अपनी आवाज के माध्यम से गाकर लोगों को जागरूक किया है। कोरोना जैसा वायरस सबको हिला डाला, याद करेगी दुनिया, सबका दम है निकाला,
तूने जिंदगी बिगाड़ी, कितनों को गले लगा के भेज दिया हॉस्पिटल, घर से कितनों को उठा के चाइना तेरी यारी को सबने है भुला डाला, याद करेगी दुनिया सबका दम है निकाला। मेरे दिल की बद्दुआ है कभी पास तू न आए, आया जहाँ से है तू वहीं लौट के तू जाए, उनके संग मर जाना जिसने तुझे है पाला, याद करेगी दुनिया सबका दम है निकाला। कोरोना जैसा वायरस कहाँ सबको हिला डाला, याद करेगी दुनिया सबका दम है निकाला।